हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेट एजुकेशन। मु सरोज आपण समस्त स्वागत करुच्छे। आम या पूर्व वीडियो रे सेट टू मैथ रो जोटा कि आमर प्रैक्टिस सेट अच्छी सेट टू एनुअल एग्जाम पे टेन्थ पिलांर तार पार्ट वन डिस्कसन कर सेकेंड पार्ट। तो ये वीडियो आम 26 नंबर क्वेश्चन टू डिस्कसन करवा, तो डेरी करें क्वेश्चन नंबर 26 कौन दे आमको देखिए दत्तचित्र ओ वृत्तर केन्द्र ओ दे वृत्तर केन्द्र क्यूपीआर कोण ए कोणटा दे 32 डिग्री तापर से पचार आमको ओ क्यू आर मान के ओ क्यू ए कोणटार मूल्य पचार। देख बर्तमान ए पी क्यू आर जो चापटा रहा तो आम गोटे अर्धवृत्त कहींपर। अच्छा मन रखिए सदापी अर्धवृत्त ना गोटे अर्धवृत्तर अंतलिखित कोण अर्धवृत्तर अंतलिखित कोण साधारण 90 डिग्री हम अर्थात ए कोणटा कितने डिग्री हो 90 डिग्री। अच्छा जदि आर कोण पी कोण आर कोण 90 डिग्री पी कोण 32 डिग्री तो आर प्लस पी के 90 प्लस 32 नब्बे प्लस 32 ये गला 122 डिग्री। ताले क्यू कोणटा केते हबो ना 180 डिग्री माइनस 122 180 122 माइनस कले 58 डिग्री आमको मिल जाव बुझेगा। तो ऑप्शन बी होगा ये हमारा आंसर क्लियर है कि देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए गोटे वृत्तर केन्द्र ठार एक जार गोटे प्रांत बिंदु और यार मध्यबिंदु यथाक्रमे 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दूर अवस्थित उक्त जार दैर्घ्य केते हबो वृत्तर केन्द्र ये होगा वृत्तर केन्द्र केन्द्र रु गोटे प्रांत बिंदु जार प्रांत बिंदु ये हूँ जा जार प्रांत बिंदुर दैर्घ्य दे दीजिए आमको 5 सेंटीमीटर तापर से कहूँ मध्यबिंदु ये जार मध्यबिंदु को जो कर रेखाखंड दैर्घ्य होगा 4 सेंटीमीटर ताल आमको पचार जार दैर्घ्य के टोटाल जार दैर्घ्य पचार। देख ये पाइथागोरस यूज आम करना ये है वृत्तर व्यासार्ध ये केन्द्र सॉरी जहाँ को समधिखंड कर ये हम लंब ताल ये लंब हो गले ये 4 ये 5 ये आम कहीपर 3 ट्रिपलेट मन रखिए 3 4 5 हो ट्रिपलेट जदि ये गला 3 ताल एटा केते हो ये भी 3 हो टोटालटा केते हो 6 हो ताले एटी जार दैर्घ्य केते हो गला 6 सेंटीमीटर हो गला क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 28 नंबर प्रश्न देखिए गोटे वृत्तर बीपीसी डिग्री परिमाप 30 डिग्री देदेगी बीपीसी विपरीत चाप उपर एक बिंदु। अच्छा ये भाया देदेगी ये देखिए धन्य ये है बीपीसी चाप बीपीसी चापर डिग्री परिमाप आमको दे देती 30 डिग्री से कहे विपरीत चाप पर एक बिंदु ये विपरीत चाप ये ए हूँ गोटे बिंदु। अच्छा ताल ए कोण परिमाण के डिग्री हम ए कोणर परिमाण 15 डिग्री हो कहीं यार अधा तो क्वेश्चन आमको पचार ए कोणर परिमाण तो ए कोणर परिमाण के तीस अधा 15 डिग्री हम जोटा कि ऑप्शन है ना कि आंसर के 15 डिग्री एटा ऑप्शन ना आंसर हम 15 डिग्री क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 29 देखिए गोटे वृत्तर एक जा गोटे सेकेंड। अच्छा कौन देखिए आमको गोटे वृत्तर एक जार दैर्घ्य यार व्यासार्ध सह सामान। अच्छा उक्त जार द्वारा छेदित क्षुद्र चापर डिग्री परिमाप गोटे वृत्त ये गला तो ये गला जा तो ये जार दैर्घ्य व्यासार्ध सहित सामान अर्थात ए आर है तीन टाक आर होगा ताल ये कौन हो गए संभाव त्रिभुज हो संभाव त्रिभुज केन्द्र के डिग्री कौन उत्पन्न कर 60 डिग्री कहीं तीन टाक कौन परिमाण समस्ट हो 60 ये 60 ये 60 हो तो तीन टाक 180 डिग्री है ये कौनटा हो 60 डिग्री तो ऑप्शन बी होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 दत्तचित्र एबीटी वृत्तर टी बिंदु स्पर्शक चित्र देखिए टी है स्पर्शक पी भी देदेगी छेदक एक्स टी चापर डिग्री परिमाप देखिए 60 डिग्री तो ये एक्स टी धन्य केन्द्र है ओ ताल ए ओ टी कोण के 60 डिग्री जोटा कि आम क्वेश्चन देखिए ये 60 डिग्री ताल पचार ए बी टी कोण। अच्छा ये ए बी ये टी अच्छा ए बी टी कोण ये कोणटा पचार बर्तमान यहीटा कौन है ना जो ए एक्स टी चापर विपरीत चापर अंतलिखित कोण ताल ए एक्स टी चापर डिग्री परिमापर अधा हाँ ये जो 60 होती है डिग्री हो 60 अधा 30 डिग्री होटा कि अच्छे ऑप्शन डी होगा ये आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दत्तचित्र पीबीसी वृत्तर वृत्तर स्पर्शक। अच्छा वृत्तर स्पर्शक किए यथाक्रमे बी सी पी बिंदु छेद कर। अच्छा ए बी है स्पर्शक एटी है ए सी है स्पर्शक बुझेगा तापर से क्यू बी दे 4 सेंटीमीटर देखो क्यू बी कौटा यहाँ दे 4 सेंटीमीटर आर सी दे 5 सेंटीमीटर आर सी हो 5 सेंटीमीटर जो आर सी हो 5 सेंटीमीटर आम पी आर कहीपर 5 सेंटीमीटर जेहतु क्यू बी है 4 सेंटीमीटर पी क्यू कहीपर 4 सेंटीमीटर कौनपाई ना गोटे वृत्तर बहिस्त बिंदु देख ये है वृत्त वृत्तर बहिस्त बिंदु वृत्त प्रति अंकित स्पर्श खंड द्वयर दैर्घ्य सामान तो यार दैर्घ्य जीक हम ये धन्य ए ये बी है पी तो पीए इज इक्वल टू पी पी ए रैर्घ्य जीक हम पी रैर्घ्य जीक हम से अनुसार क्यू बहिस्त बिंदु क्यू पी गोटे स्पर्शक क्यू बी गोटे स्पर्शक क्यू बी सामान आर बहिस्त बिंदु क्यू आर सी आर पी आर सी आर पी ये दुईटाक सामान हे तो क्वेश्चन पचार क्यू आर हाँ ठीक अच्छे क्यू आर पचार तो ये 5 + 4 5 + 4
जोटा कि 9 ऑप्शन सी होगा ये आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 32 देसी दत्त चित्र पिटी स्पर्शक खंड अच्छा पिटी स्पर्शक खंड पीए दे 8 सेंटीमीटर ए पी दे 10 सेंटीमीटर पिटी दर्घ पचार आम जानते पीए इंटू पी बी फर्मुला मन रखिए निहाती क्वेश्चन पड़ो है पिटी स्क्वायर अच्छा पीए के पीए देदेला 8 तो 8 गुणन पीबी के पीबी टोटल पीबी एपी प्लस एबी एपी प्लस एबी एपी के पीए दे 8 एबी दे 10 8 18 गुणन 18 इज इक्वल टू पिटी स्क्वायर अच्छा पिटी ताले के 18 44 रूट ओवर 18 44 तो ये 144 रूट ओवर 144 रूट ओवर के प्लस माइनस 12 ऑप्शन अच्छे प्लस 12 तो प्लस 12 होगा ये आम आंसर जो प्लस आउ माइनस दुटा को 12 दे था ताले आम भी नहीं ना माइनस 12 कहीं कौन सी जा व्यासर दर्घ्य सरी लेंथ के बड़े भी नेगेटिव हेनी तो आंसर होते ना प्लस 12 हो क्लीयर देन क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दत्त चित्र ओ वृत्तर केन्द्र पीए ओ पी बी स्पर्श खंड एवं ओ पी ए अच्छा ओपीए दे 20 डिग्री चित्र देख ये देनी ओपीए के देनी कि चित्र दे ओ पी ए 20 डिग्री अच्छा जो ओपी है 20 डिग्री कोणटा दे 20 डिग्री तर ए कोणटा तो हम 90 डिग्री आम जानते ये जेहेतु स्पर्श स्पर्शक ताले ये जीव 90 डिग्री अच्छा ताले ओपीए आमको पचार नाई बीओपी बीओपी ए कोणर मूल्य आमको पचार देख ये 20 डिग्री है ये 20 डिग्री कहीं ये दुटाक कौन सामान हो जो ओपी ना या समधिखंड करें ये हो 20 डिग्री ये 90 डिग्री ये 20 डिग्री दुटाक मिसिकला 110 डिग्री ताले ये कौनटा के 180 110 माइनस करदे तो कैसे हो 70 डिग्री जोटा कि ऑप्शन डी होगा ये आंसर देन क्वेश्चन नंबर 34 दे दि जाए गोटे त्रिभुजर परिवृत अंकन करने को कहुई यार परिकेन्द्र निर्णय करवाई के अंकन करने आवश्यक कौन कर दुईट बाहर समधिखंड लंब अंकन करदे आमको मिल जाव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 वृत्तर परिधि के सेंटीमीटर है वृत्तर 11 सेंटीमीटर दीर्घ चापर डिग्री परिमाप 10 डिग्री हम देख वृत्तर परिधि पचार अच्छा चापर दर्घ्य दे एल इज इक्वल टू आम जानते थीटा बाई 360 इंटु 2 पाई आर थीटा बाई 180 इंटु पाई आर जेहतु वृत्तर परिधि पचार था तो ये मुझे फर्मुला नहीं गली तो एल मूल्य आमको एल मूल्य दे 11 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू थीटा है 10 बाई 360 इंटु 2 पाई आर 2 पाई आर मूल्य पचार आमको यहाँ बाहर कराया तो 10 बाई 36 00 कैनसल होगा तो 1/36 तो 1/36 हो गले 2 पाई आर इज इक्वल टू 36 11 सहित गुणन हो 36 इंटु 11 36 इंटु 11 करदे कि 96 केमी गुणन कर जानक चाहते निश्चित रूपए कमेंट सेक्शन में कमेंट करते गुणन करेंगे 396 ये ट्रिक जानक चाहते कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो ऑप्शन से होगा ये आंसर देन क्वेश्चन नंबर 36 देला गोटे वृत्तर व्यासार्ध 5 सेंटीमीटर यार 9 गुण क्षेत्रफल विशिष्ट वृत्तर व्यासार्ध के सेंटीमीटर हम गोटे वृत्तर व्यासार्ध दे 5 सेंटीमीटर तार क्षेत्रफल के 25 पाई केमी वृत्तर क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर तो पाई है पाई की पाई रखिले आर है 5 स्क्वायर 25 25 पाई अच्छा से कहते यार 9 गुण क्षेत्रफल विशिष्ट वृत्तर व्यासार्ध के धन्य बड़ वृत्तर क्षेत्रफल है पाई बड़ आर स्क्वायर अच्छा पाई बड़ आर स्क्वायर होगा से कहे ये क्या सहित सामान हो जो वृत्तर क्षेत्रफल बाहर कले यार 9 गुण तो अर्थात 9 इंटु 25 पाई देखो पाई पाई कैनसल होगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25 तो आर इज इक्वल टू कैसे 9 स्क्वायर रूट हो 3 25 स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 15 तो आंसर कैसे ऑप्शन डी होगा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 37 देला त्रिभुजाकार भूमि विशिष्ट एक सरल प्रिज्म भूमि बाहू मान दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर यार उच्चता 20 सेंटीमीटर है यार समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल के अच्छा समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल केमी बाहर ना 2 इंटु आधार क्षेत्रफल मिशाण पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल यहाँ मन रखिए प्रिज्म्र समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल कौन 2 इंटु आधार क्षेत्रफल प्लस पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल जेहेतु ये गोटे त्रिभुजाकार भूमि आधार है त्रिभुज ताले यार क्षेत्रफल कैसे हम ना क्षेत्रफल आम बाहर करवा केमी एटा हेरन फर्मुला क्षेत्रफल बाहर करें विषमबाहु त्रिभुज तो हेरन फर्मुला अनुसार क्षेत्रफल बाहर कले यार परिसीमा के परिसीमा हो 10 + 6 + 8 10 6 16 8 24 परिसीमा होगा 24 परिसीमा 24 हो गला यार पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल के आधार क्षेत्रफल गुणन उच्चता आधार सॉरी आधार परिसीमा गुणन उच्चता आधार परिसीमा है 24 इंटु उच्चता है 20 24 गुण 48 तो आले ये पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल होगा 480 अच्छा ये पार्श्वपृष्ठतल क्षेत्रफल आम बाहरी गला 480 बर्तमान आम त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करें जोटा कि आधार क्षेत्रफल समग्र पृष्ठतल बाहर कर दरकार तो आधार क्षेत्रफल के हेरन सूत्र अनुसार एस बाहर करेंगे फास्ट एस हो 24/2 कहीं आधार परिसीमा है 24 एस हो 24/2 12 हो तो फर्मुला कौन त्रिभुजर क्षेत्रफल एस इंटु एस माइनस
इंटु एस माइनस बी इंटु एस माइनस सी क्लियर। तो एस के एस होगा बार इंटु ए ए के दस बी के छी के आठ तो बार रु बार रु दस गले दुई गुणन बार रु छ गले छ गुणन बार रु आठ गले चार ये होगा क्षेत्रफल। तो ये बाहर करवा केमी ना ये बार दुगुण देख गुण दे सरी बार दुगुण गुण छः दुगुण बार कर बार करदे स्क्वायर रूट भितर दुईटा बार अच्छे गोटे बार बाहर को आसो चार वर्गमूल दुई बाहर को आसला तो बार दुगुण चबीस ताले एटी आधार क्षेत्रफल के बाहर गला ना आधार क्षेत्रफल होगा आम चबीस। अच्छा जदि आधार क्षेत्रफल है चबीस ताल प्रिज्म समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल के टू इंटु आधार क्षेत्रफल है चबीस प्लस पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल जोटा कि चार सौ अशी तो चबीस दुगुण अड़चाश प्लस चार सौ अशी जोटा कि मिसाइदे पाँच सौ अठाई मिले आमको अप्सन से होगा ये आंसर क्लीयर ये दे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट देखा गोटे गोलकर आयतन जी घन सेमिटर तार पृष्ठतल क्षेत्रफल से वर्ग सेमिटर गोलकर आयतन के फोर बै थ्री फाइव आर क्यू फर्मुला मन रखिए है तो तार सब पृष्ठतल क्षेत्रफल फोर पाई आर स्क्वायर ये दुटा जाक से आमको इक्वाल देते से कहो गोलकर व्यासार्थ के अच्छा देख ये फोर पाई आर स्क्वायर कैनसल होगा ये गोटे आर रही है तो आर बै थ्री इज इक्वाल टू होगा वन क्रस मल्टीप्लाई करदे आर इज इक्वाल टू थ्री पाई जोटा कि अप्सन ए होगा ये आंसर क्लीयर देन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन। अच्छा थर्टी नाइन एट कौन देख देख गोटे सिलिंडर वक्र पृष्ठतल क्षेत्रफल पंद्रह सौ चौराशी वर्ग सेमिटर भूमिर व्यासार्थ दे दीजिए एक सेमिटर उच्चता के अच्छा सिलिंडर वक्र पृष्ठतल क्षेत्रफल के टू पाई आर एच टू पाई आर एच्र मूल्य दे दीजिए पंद्रह सौ चौराशी देख यार किसी भी ट्रिक ना या समाधान करने को ही पड़ो है तो टू इंटु पाई मूल्य हो गला बैश व्यक्त सात इंटु आर मूल्य होगा हाँ दे दीजिए एक इंटु एच पचार देख जिते स्पीड आम कैलकुलेसन करते जल्दी आम क्वेश्चन को कर तो कैलकुलेसन केमी कराए से स्पीडा शिक्षा निहत दरकार। अच्छा एक सात डिवाइड कले सात एक बैस दुगुण चौरास ये तीन अच्छा या सेमती रख ये आमको कौन मिलेगा टू इंटु ट्वेंटी टू इंटु थ्री इंटु एच इज इक्वाल टू पंद्रह सौ चौराशी देख एगार कैनसल करवा ये एगार दुगुण बैस एक कैनसल करेंगे एगार के एगार गला चार अड़चाश एगार चौ चौरास पुणी चार एगार चौ चौरास ये गला शहे चौरास ये शहे चौरास होगा तो ये तीन दुगुण छः छः दुगुण बार अच्छा ट्वेल्व एच्र मूल्य हो जाए वन फोर्टी फोर ताल एच्र मूल्य के शहे चौरास बार हरिद बार स्क्वयर हो शहे चौरास तो मिलजा आमको ठीक बार ताल एच्र मूल्य के बार जोटा कि अप्सन बी दे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन सरी क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देखिए आमको सैन स्क्वयर फोर्टी नाइन डिग्री प्लस सैन स्क्वयर फोर्टी वन डिग्री जेकोसी गोटा को मुझे लिखिपारि सैन स्क्वयर फोर्टी नाइनटा को लिखिपारि सैन स्क्वयर 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री लिखिपारि अणचाश रु एकचाश गले के हम सरी नबे रु एकचाश गले अणचाश मिल जाए ये रहा से सैन स्क्वायर 41 डिग्री अच्छा सैन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के कस स्क्वायर थीटा हो कस स्क्वायर 41 डिग्री अच्छा तेल कस स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर 41 डिग्री कौटा होगा सैन स्क्वायर 49 तो कस स्क्वायर थीटा प्लस सैन स्क्वायर थीटा इज कल के वन जोटा कि फास्ट ऑप्शन अच्छे बुझेगा देन क्वेश्चन नंबर 41 41 देखिए ठीक है मुझे सैन 60 प्लस ए प्लस सैन सिक्सटी माइनस ए अच्छा सैन ए प्लस बी सैन ए माइनस बी बुझे सैन ए प्लस बी इंटु सैन ए माइनस बीटा के टू सैन ए इंटु कस बी तो ये सैन ए जगार के षाठी तो आपको कह टू सैन सिक्सटी इंटु कस बी जगार थिला ए तो कस ए हो सैन षाठी मूल्य के रुट थ्री बै टू टू इंटु रुट थ्री बै टू कस ए आमर हो आंसर रुट टू टू कैनसल होगा तो रुट थ्री कस ए जोटा कि अच्छे ऑप्शन बी होगा ये आंसर देन क्वेश्चन नंबर 42 देखो कोसेक ए रूल्य दे दी 13 बै फाइव अच्छा कोसेक थीटा के कोसेक थीटाटा है मोर एच बै पी है एच बै बी ताल एच होगा 13 पी होगा 5 बी के ट्रिपलेट मन अच्छे 5 बार 13 कही 5 बार 13 ताल बी के बार ताल टैन ए पचास टैन थीटा पी बै बी परपेंडिकुलर पी रूल्य के पाँच बी रूल्य हो बार पाँच बै बार ऑप्शन बी होगा ये आंसर क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देला जे दत्त चित्र रे एक कांथ को एसी एक सीढ़ी को सूचाए अच्छा ए बी गोटे कांथ एसी गोटे सीढ़ी को सूचाए बीसी दैर्घ्य दे तीन मीटर इार दैर्घ्य एस तीन मीटर है एसी दैर्घ्य के अच्छा ये कौन का उन्नति अवनति कौन से कोणर परिमाण देनी आईदर ये कोणर परिमाण देता आम बाहर करते कौन से परिमाण देनी कहीं ये तो 90 डिग्री हो तो इार मूल्य आम जाने के संभव देता किसी तो ये डाटा इनएडिक्वेट मैं डाटा कम्प्लीट ना तो यार आंसर आम बाहर करना तो 43 क्वेश्चन रॉन्ग बुझेगा द नेक्स्ट क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 44
44 डिग्री देला निम्नस्थ केउटी टैन 1 डिग्री इंटु टैन 3 डिग्री इंटु टैन 87 डिग्री इंटु टैन 89 डिग्री सो समान। अच्छा देख या चेंज करना टैन 1 डिग्री टाक आम लिखिपर टैन 90 - 89 टैन 3 टाक सेम लिखिपर टैन 90 - 87 दुटा को चेंज कले ये टैन 90 - 89 ये कट 89 टैन 90 - 87 कट 87। अच्छा टैन 89 इंटु कट 89 इज इक्वल टू 1 कट 87 इंटु टैन 87 इज इक्वल टू 1 ताले 1 इंटु 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा यार मूल्य ताले ऊपर जोड़ा देसी यार मूल्य के वन हो जो यार मूल्य वन हो से ऑप्शन कहार मूल्य वन हो। अच्छा साइन 30 मूल्य के साइन 30 मूल्य 1/2 कॉस 30 मूल्य के 1/2 तो 1/2 + 1/2 के 1 जोटा कि फास्ट ऑप्शन होगा हमारे ये आंसर क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा क्वेश्चन नंबर 45 देना के क्यू मान पाई 1 केएक्स केएक्स प्लस 2i - 9 इज इक्वल टू 0 समीकरण समाधान हो। अच्छा देख एक्स मूल्य 1 वाई रूल्य 1 पकईदे तो ये जो के प्लस 2 - 9 इज इक्वल टू 0 तो के -7 इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू -7 से फुटगला +7 होगा ऑप्शन बी होगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46 देला 1424 बिंदु दे जा सरल रेखा एक्स अक्ष ठार के दूर रे अवस्थित। अच्छा कौन देदेला 14 एक्स अक्ष ठार के दूर रहा ये एक्स 14 बिंदुटा कौट हे एक्स एक्स रूल्य गोटे सेकेंड ये गला 0 देन ये 1 2 3 4। अच्छा वाई से भले नहीं जा 1 2 3 4 से कौन कह 14 x1 y4 ये बिंदुटा तापर x2 y4 ये बिंदुटा बिंदु दे जाए सरल रेखा एक्स अक्ष ठार के दूर अवस्था देख ये पचार दूरता। अच्छा दुटा के देख बर्तमान वाई कोऑर्डिनेट इक्वल अच्छे ना ना 4 तो ये 4 कौट आसा ना यू आसा यहाँ हूँ 4 तो यहाँ 4 है तुम्हें केत दूरतार से रोचे एक्स अक्ष सहित से समांतर हो जो सरल रेखाटा जीव से एक्स अक्ष सहित समांतर सरल रेखा हे तो तार दूरता केत हो ना 4 एकक हो तो ऑप्शन सी होगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देला क्यों सह समीकरण द्वयर समाधान संभव नुह समाधान के संभव हेनी ना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है समाधान संभव नुह बा असंभव। अच्छा देख फर्स्ट इक्वेशन देख 1/1 a1/a2 है 1/1। अच्छा b1/b2 के 1/-1 नॉट इक्वल कहीं 1/-1 तो ये गला 1 नॉट इक्वल -1 तो फर्स्ट ऑप्शन तो केबे भी होबन कहीं हमारे दरकार a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होती दरकार। तापर सेकंड ऑप्शन देखिले a1 के 1 a2 के 1 तो 1/1 है 1। अच्छा b1 के 1 b2 के 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा नॉट इक्वल देखो c1 है 1 c2 है 3 तो 1/3 तो 1 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल्स 1/c1/c2 बुझेगा जोटा कि 1/3 दे तो ऑप्शन बी होगा जोटार समाधान असंभव। देन क्वेश्चन नंबर 48 देला जे दुई अंक विशिष्ट गोटे संख्या आमको दे तार अंकद्वयर जोगफल अंकद्वयर जोगफल 4 गुण। अच्छा एकक स्थानीय अंकटी को एक्स नवा दशक स्थानीय अंक को वाई नवा दशक स्थानीय अंक संख्याटा के 10y + x ये संख्याटा कौन दे अंकद्वयर जोगफल 4 गुण अंकद्वय कि x + y x + y 4 गुण बुझेगा तेल 10y + x इज इक्वल टू 4 × x + y 10y + x × 4 × x + y ऑप्शन डी होगा ये हमारे आंसर दे। देन क्वेश्चन नंबर 49 ये गोटे समीकरण x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0 2x - 3y - 12 इज इक्वल टू 0 समीकरण द्वयर डेल एक्स मूल्य बाहर करें। अच्छा डेल एक्स बाहर तो डेल एक्स बाहर मैंने तो ये राइट साइड को आसीज ये -1 ये राइट साइड को आसीज ये +12 तो -1 + 12। अच्छा एक्स जेहेतु डेल एक्स बाहर करछु एक्स को छाड़ देला एक्स रहा छाड़ देला तो वाई रहा को लिखा वाई रहा गला 2 यार सह गला -3 2 - 3 बर्तमान डिटर्मिनेट मूल्य बाहर कर -1 × -3 हो +3 -12 तो गुणे 24 3 - 24 हो -21 हो गला हमारे आंसर ऑप्शन सी क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 50 देला 5x² + 2mx + 5 इज इक्वल टू 0 समीकरण मूलद्वय वास्तव समान है एम रान के मूलद्वय वास्तव समान है डी इज इक्वल टू 0 डी इज इक्वल टू 0 हेल्ला डी रूल्य है b² - 4ac इज इक्वल टू 0 बी के बी है 2m स्क्वयर होगा 4m² - 4 × a होगा के 5 सी है 5 4 × 5 × 5 इज इक्वल टू 0 तो 4m²
पाँच कोड़े पंचा शहे माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो तार फोर एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू आमको मिल जाए के ना फोर एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हंड्रेड दैट एम्प्लाय एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर डिवाइड करदे होगा पचीस एम इज इक्वल टू पचीस स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस फाइव आंसर होगा कैसे प्लस माइनस फाइव जोटा कि ऑप्शन बी तो ये आम आज शेष क्वेश्चन था दे नेक्स्ट वीडियो आम सेट थ्री प्राक्ट डिस्कसन करवा तो यपर्यंत वीडियो को देखी थी धन्यवाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ वीडियो को लाइक करदे कमेंट सेक्शन जहाँ भी डाउट होगा कमेंट करदे थैंक यू।